नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सिंह राशि के जातक और जातिकाओं के लिए फरवरी मास 2022 क्या लाभ क्या हानि लेकर आ रहा है, कैसा शुभ और अशुभ समय लेकर आ रहा है, ये समस्त जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथियों, मेरी माता और मेरी बहनों, हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो भी हम अपने शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल पर किसी भी राशि का ऑडियो वीडियो बनाकर डालते हैं या कोई भविष्यवाणी वीडियो के माध्यम से पेश करते हैं, तो हमारे सभी भविष्यवाणियां और 12 राशियों का राशिफल या समस्त जानकारियां जो भी होती हैं वो सत्य और सटीक होती है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को गुमराह नहीं करना चाहते हैं, किसी का समय यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो साथियों, हम जो भी आपको जानकारी देते हैं या आगे भविष्य में देंगे तो वो बिल्कुल ही सटीक और सत्य देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है और प्रार्थना है, जो भी भाई बहन अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, ताकि वो अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी राशियों के बारे में और सत्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फरवरी मास 2022 सिंह राशि के जातक और जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए फरवरी मास काफी अच्छा और सफलता पूर्वक रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि वाले फरवरी मास 2022 में थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि फरवरी मास में एक तो आपका बहुत ज्यादा धन का खर्चा होने वाला है, इसलिए सिंह राशि वाले धन का सोच समझकर खर्च करें। यदि आप हद से ज्यादा धन का खर्चा करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, डामाडोल हो सकती है, यानी खराब हो सकती है, और ज्यादा भाग दौड़ के कारण सिंह राशि के जातक और जातिकाओं के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो सकता है जो आपको परेशान करेगा। और सबसे खास जानकारी ये है कि सिंह राशि वाले जातक जातिकाएं यदि किसी सरकारी कर्मचारी से कोई कार्य करवा रहे हैं, या कोई आपको फरवरी मास में कोई सरकारी कर्मचारी अफसर आपसे जुड़ता है, किसी बात को लेकर कोई कार्य का आपको आश्वासन देता है, विश्वास देता है, तो उसकी बातों में ना आए, क्योंकि वो आपको गुमराह करने का प्रयास करेगा, आपके साथ धोखा करेगा। किसी छोटी मोटी बात को भी लेकर परिवार में कोई झगड़े का माहौल बन सकता है, या आपस में मन मुटाव होने का भी संकेत बन रहा है। बाकी फरवरी मास 2022 सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही खास और खुशहाली भरा रहने वाला है। सिंह राशि के जो जातक जातिकाएं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उनको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। जो नए नौजवान साथी नई नौकरी की तलाश में प्रयास करते हुए आ रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको फरवरी मास 2022 में कोई अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। जो बिजनेस व्यापार से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा धन का लाभ इस मास होने वाला है। देश देशांतर से शुभ समाचार मिलेंगे और सभी आधे अधूरे कार्य संपूर्ण होंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई आपका मुकदमा चल रहा है तो जीत आपके फेवर में होगी। जो राजनीतिक व्यक्ति राजनीति में अपना हाथ अजमाना चाहते हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़े से परिश्रम करने से ही राजनीति में कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है, और खूब मान सम्मान मिलने का भी संकेत दिखाई दे रहा है। यदि विद्यार्थियों की बात करी जाए तो विद्यार्थियों को शिक्षा में कठिन परिश्रम करने के बाद ही शिक्षा में अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, और मन चाहे स्कूल या कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। आयात निर्यात के साधनों में खूब तरक्की होगी, खूब पैसे का आवागमन होगा। जो व्यक्ति किराए ब्याज के कार्य से जुड़े हैं, उनको भी आशा अनुसार धन का लाभ होता रहेगा। कृषि भूमि, काले पशुओं एवं लोहा चमड़े के व्यापारियों को भी धन की खूब बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो सिंह राशि के जातक जातिकाएं लॉटरी कमीशन सट्टा बाजारों से जुड़े हैं, वो फरवरी मास में कोई भी अपना पैसा ना लगाएं, वरना वो डूब सकता है, हानि उठानी पड़ सकती है। ठेकेदारी रोजमर्रा के कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को आशा अनुसार लाभ होता रहेगा।
फल फूल सब्जियों के विक्रेताओं को आशा से ज्यादा धन की बढ़ोतरी होगी, पुराने मित्रों से मिला भेंट होगी और सहयोग भी मिलेगा। फरवरी मास 2022 में सिंह राशि वाले नए नए रोजगारों को भी अंजाम दे सकते हैं जो काफी लाभप्रद सिद्ध होंगे। कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है जो आपके लिए काफी शुभदायक रहेगी। गाड़ी वाहन देखकर चलाएं। फरवरी मास 2022 में सिंह राशि वाले कोई प्लॉट जमीन जायदाद या मकान दुकान खरीदने बेचने या उसका निर्माण करने का भी प्लान बना सकते हैं। जो व्यक्ति मेडिकल स्टोर ब्यूटी पार्लर या किराना स्टोर से जुड़े हैं कार्य करते हैं उनको भी खूब धन लाभ होता रहेगा। सिंह राशि वाले फरवरी मास में घर गृहस्थी की सामग्रियों में खूब धन का खर्च करेंगे, वस्त्र आभूषण भी खरीदते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, किसी नए मेहमान के आने से घर में रौनक बढ़ेगी, कोई जागरण भंडारा या पार्टी या जन्मदिन का भी माहौल बनता दिखाई देगा। पूजा पाठ दया दान भक्ति भाव एवं धार्मिक कार्यों में भी खूब रुचि बढ़ेगी, खेल कूद व्यायाम में भी खूब मन लगेगा। गीत संगीत गायन वादन लेखन प्रकाशन से जुड़े व्यक्तियों को भी खूब धन मिलने के संकेत बन रहे हैं। समाज में जग जगह आपको मान सम्मान भी मिलेगा और धन भी खूब प्राप्त होगा। नए मित्र बनाने से बचें और किसी पर हद से ज्यादा विश्वास ना करें, किसी को भी अपने मन का भेद ना बताएं और पराई स्त्री पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश ना करें, वरना कोई शरीर में संक्रमण रोग उत्पन्न हो सकता है। फरवरी मास में आपको कई जगह शादी विवाह पार्टी में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन अचानक आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी खराब होने का संकेत बन रहा है, इसलिए अपनी माताजी का समय समय पर खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और चिकित्सक द्वारा उनका इलाज करवाते रहें। सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं को सचेत किया जाता है कि फरवरी मास 2022 में कड़वी वाणी क्रोध आलस्य अभिमान पर काबू रखें, क्योंकि यदि आप कड़वी वाणी बोलते हैं तो आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, यदि क्रोध में आते हैं तो आप कोई बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। पारिवारिक संबंधों की बात की जाए तो पारिवारिक संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। यदि पति पत्नी के संबंधों की बात करी जाए तो छोटी मोटी बात को लेकर तकरार चलती रहेगी, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में कहा सुनी चलती रहती है और ये चलती रहेगी। लेकिन प्रेम संबंधों की बात करी जाए तो फरवरी मास 2022 में सिंह राशि के जातक जातिकाओं के प्रेम संबंध काफी अच्छे मधुर और मजबूत रहेंगे, और जो सिंह राशि के जातक जातिकाएं शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, तो उनके साथ इनकी शादी का संयोग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति नए लव पार्टनर की तलाश में भटक रहे हैं उनको फरवरी मास में कोई नया लव पार्टनर मिल सकता है, जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा मस्ती भरा समय गुजरेगा। सिंह राशि के जातक जातिकाएं अभी तक कुंवारे हैं, जिनकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही थी, किसी ना किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही थी, तो उनका शादी का संयोग बनेगा और कोई अच्छी सी तारीख भी उनकी तय हो सकती है। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए परेशान है, दर बदर भटक रहे थे और अपना इलाज करवाकर थक गए हैं, तो उनको फरवरी मास में संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है या संतान प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि वाले फरवरी मास 2022 में बेड़े सिगरेट तंबाकू शराब जैसे आदि नशीले पदार्थों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन करने से मंगल खराब हो जाता है, और जिस व्यक्ति का मंगल खराब हो जाता है उसके जीवन में संकट ही संकट पैदा हो जाते हैं। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, हर सुख प्रदान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको नशीले पदार्थों से परहेज करना होगा और बाजार के खुले पकवान और मिठाइयों से परहेज करना होगा। अंडा मीट मछली का भी सेवन ना करें। यदि आप शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि रखना चाहते हैं तो अंडा मीट मछली का भी सेवन ना करें। सिंह राशि वाले यदि नियमित पूजा पाठ करते रहेंगे, दया दान पुण्य करते रहेंगे, बुजुर्गों की सेवा करते रहेंगे, माता बहन बेटी पत्नी का सम्मान करते रहेंगे और जरूरतमंदों का सहयोग करते रहेंगे, और हो सके तो हनुमान चालीसा का भी यदि पाठ करेंगे,
तो सिंह राशि वालों पर जो आने वाले संकट हैं वो टल जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों के पल आते हुए नजर आएंगे। सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए फरवरी मास में कई जगह से धन की प्राप्ति भी होगी और अचानक किसी बैंक से भी लोन का प्रयास कर रहे हैं तो वो लोन भी आपको मिल सकता है, जिससे आप अपने पुराने कर्जों से, पुराने रोग से, पुराने शोक से राहत पा सकेंगे। सिंह राशि वाले एक बात का और ध्यान रखें, किसी को भी पैसे उधार ना दें और ना कर्जा और ना कर्ज का पैसा किसी से उधार ले, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। दिया हुआ उधार वापस नहीं लौटेगा और लिया हुआ कर्जा आसानी से उतर नहीं पाएगा, इसलिए दोनों में सावधानी बरतें। इसलिए पैसे लेते वक्त और पैसा देते वक्त सावधानी जरूर बरतें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों, कुल मिलाकर सिंह राशि के जातक और जातिकाओं के लिए फरवरी मास 2022 काफी हर्षोल्लास भरा रहेगा, बहुत सारी खुशियां प्रदान करेगा और मन चाहे आपके सपने साकार होंगे। यदि सिंह राशि के जातक जातिकाएं मेहनत से संघर्ष मेहनत और ईमानदारी से संघर्ष करते हैं और सोच समझकर हर कदम आगे बढ़ाते हैं तो सफल होने से जीवन में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक खास बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जितने भी सिंह राशि के जातक जातिकाएं हैं उनमें से कुछ व्यक्तियों पर, कुछ जातक जातिकाओं पर जो सिंह राशि के हैं उन पर 15 साल से जो तांत्रिक क्रिया काला जादू चल रहा है उनको ये फल नहीं मिल पाएगा, ये शुभ लाभ उनको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन सिंह राशि के जातक जातिकाओं पर तांत्रिक क्रिया या काला जादू करवा दिया हुआ है, करवाया हुआ है या उन पर चल रहा है, तो जब तक वो काला जादू या तांत्रिक क्रिया अपने ऊपर से नहीं हटवाएंगे, नहीं कटवाएंगे, तब तक उनको अच्छा जीवन में लाभ नहीं मिलेगा, ना फल मिलेगा, ना उनके कोई बड़े कार्य बन पाएंगे। यदि वो जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मन चाहे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी अपने ऊपर जो तांत्रिक क्रिया चल रही है या काला जादू किसी ने करवाया हुआ है उसे हटवाइए, क्योंकि आजकल दुश्मन सामने से नहीं लड़ता है, इसलिए गुप्त तरीके से इंसान को बर्बाद करता है। सिंह राशि के जो जातक जातिका है मन के बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, निडर होते हैं, सुंदर होते हैं और स्मार्ट होते हैं, वादे के पक्के होते हैं और क्रोधी होते हैं और इनके सपने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये अपने जीवन में ईमानदारी बरतने के कारण और सच बोलने के कारण और सच्चाई के साथ खड़े होने के कारण और अपने वादे पर अटल रहने के कारण कुछ लोग इनके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वो इनके जीवन में ना तो प्रशंसा बर्दाश्त कर पाते, ना इनकी सफलताओं को बर्दाश्त कर पाते हैं और ना इनके हुनर को और ना इनकी सुंदरता को बर्दाश्त कर पाते हैं, इसलिए कुछ शत्रु अपने ही पैदा हो जाते हैं झुकाने के लिए, बर्बाद करने के लिए और उन्हें तिल तिल तड़पने के लिए। तो दोस्तों, आप हल्के में ना लें, तुरंत अपने तांत्रिक क्रिया और काला जादू का इलाज कराएं, उसका निवारण कराएं, तब आपको जीवन में हर सुख शांति प्राप्त होगी, क्योंकि सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं का समय बदल चुका है और अच्छा समय अब आपसे आगे चलने वाला है और खूब सारी खुशियां प्रदान होंगी और अधूरे जितने भी सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिलेगा जिनके साथ ये क्रियाएं चल रही है। ये पहले आपको मैं जानकारी दे देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करेंगे, गुरुजी आपने बताया था वीडियो में, हमें तो वो लाभ मिला नहीं। तो ये लाभ उनको नहीं मिलेगा जिन पर काला जादू तांत्रिक क्रिया चल रही है, ये मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं। तो साथियों, सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए फरवरी मास में कुछ तारीखें श्रेष्ठ रहेंगी और कुछ तारीखें नेष्ठ रहेंगी। तो जो नेष्ठ, जो फरवरी मास में सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए तारीख नेष्ठ है वो 3, 7 और 17 हैं और जो श्रेष्ठ है वो 1 और 27 फरवरी है। तो दोस्तों, ये समस्त जानकारी हमने आपको बिल्कुल सटीक और सत्य दी है। यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी राशिफल सत्य लगे, अच्छा लगे, तो प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और यदि
आपको अपनी हस्तक रेखा, मस्तक रेखा, जन्म कुंडली दिखवानी है, बनवानी है, या अपनी जन्म कुंडली के शुभ ग्रह शांत कराने हैं, या जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान करवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम विधि विधान से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन साथियों इसकी उचित फीस पहले जमा की जाती है। साथियों मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आप सभी को करता हूँ नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।